मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? और अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और यहाँ पर मैंने कर दिया ब्लॉग को स्टार्ट। और कल ओरछा से आए थे ना, तो थके भी नहीं थे और थक भी गए थे, दोनों चीज़ें थी। और बिल्कुल मतलब कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे से हम लोगों ने पूरा ओरछा घूमा और काफ़ी मज़ा आया और बहुत अच्छा भी लगा। और अभी देखिए, हम लोग सुबह ही मैं उठी हूँ और मैंने देखा बाहर तो इतनी तेज बारिश होने लगी है, तो मैं अभी आप लोगों को बारिश दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, कितना कितना पानी हमारे यहाँ पे भर चुका है। ये ना बारिश में पानी भर जाता है और देखिए कितनी कीचड़ हो चुकी है और बारिश भी अभी काफ़ी पड़ रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं दिखाती हूँ सभी लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं। और तो चलते हैं, दिखाती हूँ मम्मी किचन में क्या बना रही है। फ्रेंड्स, इधर मम्मी बना रही है नाश्ता और नाश्ते में बन रहा है पास्ता, तो अभी हम लोग खाएंगे। तो चलिए चलते हैं कि हमारा नाश्ता वगैरह तो सब कुछ हो चुका है और नाश्ते में बना था आज पास्ता और अभी सब्जी बनने के लिए जा रही है। तो आज सब्जी में बन रही है हमारी ग्वाल की सब्जी, ग्वाल की फली होती है ना, वो आज बनाएंगे हम लोग और वो मेरी फेवरेट होती है, तो आज मैं ही उसको बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, पहले उसका प्याज मिर्च जो भी उसका मटेरियल रहता है वो सब हम लोग काट लेते हैं, फिर बढ़िया अच्छे से छोंकते हैं टेस्टी वाली करके। तो फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं हम ग्वाल की फली। फ्रेंड्स, मैं सब्जी बना के आ चुकी हूँ और इधर मम्मी ने बना ली थी रोटी, और रोटी और सब्जी सब लोगों ने खा लिया और मैंने खाना नहीं खाया था, तो इसलिए मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया और मैं भूल गई थी क्योंकि मैं बना रही थी ओरछा का ब्लॉग। और ओरछा का ब्लॉग आप लोग बताना कमेंट में कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा या बुरा लगा। वैसे तो अच्छा लगेगा, मंदिर की जगह है। और जो लोग नहीं गए ओरछा, प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं। फॉरनर्स तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं, उन लोगों के लिए तो बेचारों के लिए इतना महंगा प्रोडक्ट रहता है, हर चीज़ इतनी महंगी रहती है। और रहती तो इंडिया वालों के लिए भी, हम लोग के लिए वो तो हम लोग सस्ता सस्ता करके ले लेते हैं, बेचारे फॉरनर्स कैसे सस्ता करवा पाएंगे, उन लोग के लिए तो कोई सस्तापन नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैंने जो ब्लॉग बनाया उसमें 2 दिन का ब्लॉग ऐड किया है, एक तो पहले का और एक अभी का किया है, कि उसमें एक दिन की मतलब टाइमिंग अलग होगी और दूसरे दिन की टाइमिंग अलग। और आज का ब्लॉग मैंने बनाया प्लांट का, तो वो भी आप लोग देखिएगा। और पूजा वाला ब्लॉग आएगा उसके नेक्स्ट डे, तो फिर मैं उसको ज्वाइन करती हूँ, देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज सुबह का बज रहा है 8 और यहाँ पर हमारा काम सारा हो चुका है और आज जल्दी काम कर लिया, सभी का नहाना धोना भी हो चुका है। तो आज है 17 सितंबर, आज है विश्वकर्मा डे, विश्वकर्मा पूजा है आज। और आज हमारे सहयोग सेंटर पर गणेश पूजा है, यानी कि डबल डबल पूजा है और हम लोग जाएंगे दोनों जगह जाएंगे। वैसे वहाँ जाएंगे थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए और फिर हम लोग जाएंगे अपनी मेन पूजा में सहयोग सेंटर झांसी, और फिर हम पूरा ब्लॉग बनाएंगे। और अभी हमें जाना है थोड़ी देर में प्लांट, क्योंकि प्लांट में विश्वकर्मा पूजा होती है और हम देख लेंगे अपने सर जी का भी प्लेस जहाँ पे ये मतलब आज सारा प्लांट देख लेंगे हम लोग, पूरा घूम लेंगे। घूम तो पहले भी रखा है और आप लोग को वीडियो में भी दिखा रखा है, बट आज और देख लेंगे। हम लोग हो चुके हैं रेडी और इधर टाइम भी करेक्ट 9 बज चुका है, निकलना 8:30 पे था, बट लेट तो हो ही जाता है। तो फिर चलते हैं जल्दी से, पहले प्लांट चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं दोबारा प्लांट में ही। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग प्लांट के गेट पर आ चुके हैं और इधर पर हो रही है भीड़, क्योंकि इन लोग को लेनी है परमिशन और कुछ लोग को परमिशन मिल चुकी है और जो परमिशन नहीं ले पाते उन लोग को पहले से लेनी पड़ती है। और अभी तो हम लोग जल्दी आए ना, 9 बजे, तो अभी कम भीड़ है। और अभी थोड़ी देर बाद हम जब आएंगे या और थोड़ी लेट 11, 12, 1 बजे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग पहले ही सुबह के टाइम निकल गए हैं। फ्रेंड्स, आ चुके हैं प्लांट
फ्रंट में आप लोग देख रहे होंगे, और इधर पर देखिए, इधर पर आ रही है पानी की कुछ ज्यादा आवाजें। ये है फायर वाटर पंप हाउस, ये सिटी फैन 01। वही देख रहे होंगे आप लोग ध्यान से, तो इसमें ये पानी गिर रहा है वैसे तो। फ्रेंड्स इधर गाड़ी लगा दिए पार्किंग पर, और इधर हम लोग जा रहे हैं प्लांट के अब अंदर फाइनली, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी चल रही है यहाँ पर तैयारियाँ, और अभी तो वैसे हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए हैं इस बार, और वैसे 10 बजे के बाद यहाँ पर चलता है भंडारा, तो जिसको भी आना हो भंडारा खाने तो वह आप लोग 10 बजे के बाद आ सकते हैं। तो हम लोग तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं पहले। तो फ्रेंड्स जब हम लोग पहले आते थे ना ये पूरा खुला था, और इस बार ये पूरा फाइनली बंद हो चुका है, और अभी हम लोग जा रहे हैं कंट्रोल रूम की साइड। और इधर देखिए कितनी गर्मी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और आवाज़ें आप लोग देख रहे होंगे नीचे, देखिए सबसे ज़्यादा आवाज़ यहाँ पर आती है। जब भी पापा से फ़ोन पर बात करूँ ना तो पता बात कम होती, आवाज़ सबसे ज़्यादा आती है। देखिए हम लोग पूरा प्लांट घूम के आ चुके हैं, और आज शॉर्टकट में हम लोगों ने प्लांट घूमा है क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं था, और क्योंकि हम लोग को जाना था झांसी सेंटर, और आज गणेश पूजा थी इसलिए, और विश्वकर्मा पूजा भी थी वैसे, और इधर पर हम लोग पूजा अटेंड नहीं कर पाए। और देखिए यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, तो फ्रेंड
फ्रेंड्स देखिए हम लोग निकल रहे हैं और टाइम 10 बज चुका है। यहाँ पर भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है और ये लोग दूर दूर से आते हैं ना, इसीलिए सभी लोग का मन करता है कि चलिए प्लांट घूमते हैं एक। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ और आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।